वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज बनाने जा रहा हूँ करेला का कलौजी। दोस्तों ये 9 पीस करेला लिया हूँ। देखिए छोटा छोटा पीस है और पतला पतला है। आज इसका कलौजी बनाऊंगा। दोस्तों अभी इसको धुलने के लिए जा रहा हूँ, धुल के लाता हूँ, फिर आपको वीडियो बनाता हूँ, दिखाता हूँ। तो दोस्तों करेला को धुल के लाया हूँ, अभी कटिंग करने जा रहा हूँ। आप ये आगे पीछे का भाग दोनों काट लीजिए, देखिए इसे। तो देखिए दोस्तों सारा पीस कट कर लिया, अभी इसको बीच से फाड़ देंगे। देखिए देखिए दोस्तों सबको कटिंग कर लिए बीज से, उसका बीज निकाल दिया, देख लीजिए। और फिर इसको पानी में उबालने के लिए जा रहे हैं 5 से 10। देखिए दोस्तों टोब में पानी भर दिया हूँ, गैस चालू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें थोड़ा अभी करेला का डाल देता हूँ उबालने के लिए। फिर इसमें थोड़ा नमक ऐड कर देता हूँ। थोड़ा हल्दी डाल देता हूँ दोस्तों, थोड़ा कलर हो जाएगा। दोस्तों ढक देता हूँ। ये दोस्तों इसमें लहसुन है, प्याज है, 3 प्याज है, 1 टमाटर है, 8 से 10 मिर्ची है दोस्तों, अंदर भी दबा है। तभी इसको कटिंग करने जा रहा हूँ, कलौजी का मसाला बनाऊंगा इससे। अभी दोस्तों खोल के देखते हैं उबल गया हमारा, लगता है 5 से 10 मिनट हो गया। चार पाँच मिनट हुआ होगा पानी खोल के। दोस्तों करेला हमारा उबल गया, तभी इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों हमारा करेला उबल गया तो इसको निकाल लिए। तो दोस्तों देखिए टोप रख दिए मसाला बनाने के लिए कलौजी का। अभी इसमें तेल डाल रहे हैं, तेल देखिए सूरजमुखी का तेल है। अभी इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा कलौजी है, प्याज ऐड करेंगे। दोस्तों इसके अंदर लहसुन डाल रहा हूँ, कुछ डाल
इसके अंदर टमाटर डाल देता हूँ। अभी थोड़ा भून लेंगे टमाटर प्याज लहसुन निकाल के मिक्सर को सबको एक साथ में। थोड़ा भी ढक देते हैं पक जाए। अभी दोस्तों ये हल्का हल्का भुना गया, इसमें मसाला डाल देते हैं। ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच, ये हल्दी है, ये लाल मिर्ची पाउडर है 1 चम्मच, हमारा गरम मसाला है सब मिक्स है 1 चम्मच, दोस्तों इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं। अभी दोस्तों हमारा मसाला पक चुका है, तो अभी करेले के अंदर भरेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सब करेला में भर दिया मसाला। अभी इसको फ्राई करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए थोड़ा हम धागा से बांध दिए ताकि इसमें का मसाला जो है बाहर नहीं निकले। थोड़ा ज़्यादा भरे मसाला तो थोड़ा बाहर निकल गया बांधने टाइम। इसको दोस्तों फ्राई करने के लिए डाल रहा हूँ। दोस्तों इसको ढक देते हैं, जल्दी पक जाएगा, फ्राई भी हो जाएगा हमारा। तो देखिए दोस्तों हमारा कलौजी बन के रेडी। अभी गैस को बंद करने जा रहे हैं, इसको ढक देते हैं। देखिए दोस्तों हमारा कलौजी बन के रेडी हो गया। अभी जाने खाना खाने के लिए, गैस को बंद कर दिए हैं।